गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म फॉर क्लास फिफ्थ। बच्चों, आज हम आप लोगों को संस्कृत विषय से पाठ 9 वृक्ष नामक पाठ का भाग 1 पढ़ाएंगे। सबसे पहले पाठ का शब्द अर्थ। पृथिव्याम मीन्स पृथ्वी में, पृथिव्याम मीन्स पृथ्वी में, मुख्यतः मीन्स मुख्य रूप से, मुख्यतः मीन्स मुख्य रूप से, बदरी वृक्षा मीन्स बेर के वृक्ष, बदरी वृक्षा मीन्स बेर के वृक्ष, अन्य मीन्स दूसरे, विंदंति मीन्स प्राप्त करते हैं, विंदंति मीन्स प्राप्त करते हैं, शोभनम मीन्स सुंदर, छाया प्रदाह मीन्स छायादार, वट वृक्षा मीन्स वरगद वृक्ष, ददाति मीन्स देता है, पुष्पिता मीन्स फूलों वाले, केजिद मीन्स कई, काष्ठम मीन्स लकड़ी, सर्वेभ्य जीवेभ्य मीन्स सभी जीवों के लिए, फलवंता मीन्स फलों वाले, नारंग वृक्षा मीन्स नारंगी वृक्ष। पाठ 9 वृक्ष मतलब पेड़ के बारे में बताया गया है कि वृक्ष से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। पृथिव्याम अनेकानि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं, तेषु वृक्षः श्रेष्ठतमः, उनमें से वृक्ष सबसे श्रेष्ठ है। वृक्ष सर्वेभ्यः जीवेभ्यः जीवनम ददाति, वृक्ष सभी जीवों को जीवन देता है। कार्बनम अवशोषयत, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। ओषजनम प्रदस्यत, और ऑक्सीजन देता है। वृक्षय विना वनम न भवति, वृक्ष के बिना वन संभव नहीं है। वृक्षय वनम उपवनम वा शोभनम अस्ति, वृक्ष से वन उपवन सुशोभित होते हैं। संस्कृत भाषायाम वृक्षस्य अनेके पर्याय सन्त, संस्कृत भाषा में वृक्ष के अनेक पर्यायवाची हैं, माने वृक्ष के अनेक नाम हैं, यथा तरु, पादप, द्रुम, विटप, शाखिन। जैसे तरु, पादप, द्रुम, विटप, शाखिन। वृक्षस्य मुख्यतः द्वौ प्रकारौ अस्तः, वृक्ष के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। केचिद फलवंत वृक्षा, कुछ फल देने वाले वृक्ष, केचित च केवलम पुष्पिता एवं छाया प्रदाह भवंत, कुछ केवल फूल और छाया देने वाले होते हैं। यथा आम्र वृक्षा, जम्बू वृक्षा, लीची वृक्षा, नारिकेल वृक्षा, पेरुक वृक्षा, दाड़िम वृक्षा, सेव वृक्षा, मधुक वृक्षा, नारंग वृक्षा, अक्षोर वृक्षा, वातद वृक्षा, एते फलप्रद सन्ति। कुछ वृक्षों के नाम हैं जो केवल फल देते हैं, जैसे आम का वृक्ष, जामुन का वृक्ष, लीची का वृक्ष, नारियल का वृक्ष, अमरूद का वृक्ष, अंगूर का वृक्ष, सेब का वृक्ष, महुआ का वृक्ष, नारंगी का वृक्ष, अक्षोर वृक्ष माने अखरोट का वृक्ष, वातद वृक्ष माने बादाम का वृक्ष, ये सभी वृक्ष फल देते हैं। एते वृक्षा छायाम अपि यच्छन्त, ये वृक्ष छाया भी देते हैं। एतेषु केचिद वृक्षा विशालकारा भवन्त,
इनमें से कुछ वृक्ष विशाल होते हैं केचित च लघ्वाकार और कुछ छोटे होते हैं। केवलम छाया प्रदा वृक्षासंत, कुछ वृक्ष केवल छाया देते हैं जैसे पिपल वृक्षा, पारिजात वृक्षा, वट वृक्षा, शालमल वृक्षा, शिंसपा वृक्षा, देवदार वृक्षा, पलाश वृक्षा, मौलश्री वृक्षा। इनमें से छाया देने वाले वृक्ष पीपल का वृक्ष, हरसिंगार का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, सेमल का वृक्ष, शिंसपा वृक्षा माने शीशम का वृक्ष, देवदार का वृक्ष, पलाश का वृक्ष आदि। एते तथा अन्य अनेके वृक्षा विविधम उपकारम कुर्वन्ति। ये वृक्ष तथा अन्य और वृक्ष कई प्रकार के उपकार करते हैं। वृक्षा आश्रयम ददन्ति, वृक्ष आश्रय देते हैं। छायाम प्रसरन्ति, छाया देते हैं। नाना वर्णय पुष्पय लोकानाम मम रंजयन्ति, नाना प्रकार के फूल लोगों का मनोरंजन करते हैं। स्वास्थ्य वर्धकानि फलानि ददन्ति, और स्वास्थ्य वर्धक फल देते हैं। आवश्यक वस्तुभ्य काष्ठ यच्छन्ति, आवश्यक वस्तु लकड़ी देते हैं। आतपम हरन्ति, गर्मी का हरण करते हैं। शैत्यम यच्छन्ति, और ठंडक देते हैं। प्रदूषितम वातावरणम स्वच्छम कुर्वन्ति, प्रदूषित वातावरण को स्वच्छ करते हैं। विविधा लता वृक्षस्य आश्रयम विन्दन्ति, विविध लताएं वृक्ष के आश्रय में रहती हैं। खगा वृक्षेषु नीडम रचयन्ति, पक्षियां वृक्षों पर घोंसला बनाती हैं। मधुरम कूजन्ति, और मधुर स्वर में बोलती हैं। फल स्वादम गृहणन्ति, और फल का स्वाद लेती हैं। मधुमक्षिका पुष्परसम पिबन्ति, मधुमक्खियां फूलों का रस पीती हैं। पश्चात मधु यच्छन्ति, उसके पश्चात हमें शहद देती हैं। ईदृशेभ्य दानशीलेभ्य वृक्षेभ्य नमः, इस प्रकार दानशील वृक्ष को नमस्कार है। होमवर्क के प्रश्न, पाठ 9 वृक्ष शब्द अर्थ याद करना है। पाठ 9 वृक्ष पूरा पाठ शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना है।